हेलो गाइस, मैं हूं आपका फिल्मी ट्रेनर हाजी रुए के निजान कर लेकर। दोस्तों, अगर आप एक वेटर हो, धीरे धीरे ऑर्डर लेना सीख रहे हो या फिर कैप्टन बनने की तैयारी में हो, तो आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो और आप अपनी स्किल में परफेक्ट हो जाओ। आज आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपकी स्किल को डेवलप करने के बड़े काम आएंगी। टेबल नंबर सही से लिखना। जब भी आप ऑर्डर नोट करते हो तो टेबल नंबर को सही ढंग से लिखना है और चेक करना है कि मैंने जो ऑर्डर लिया है वो कार्बन कॉपी में ठीक ठीक छपा है कि नहीं। ओवर राइटिंग करने से बचें। मान के चलो आपने लिखते लिखते कोई गलती कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है, तो उसको काट के आप नीचे सही ढंग से लिखो, ना कि उसी के ऊपर ओवर राइटिंग करके लिखो। ये चीज गलत है। आपको ओवर राइटिंग कभी नहीं करना है। जो गलती हुआ है उसको काट दो और नीचे सही सही लिखो, ये करना है आपको। कभी कभी रनिंग टेबल भी शिफ्ट होता है। अगर टेबल शिफ्ट हुआ है तो ध्यान रहे आपको टेबल नंबर शिफ्ट करना है, यह शिफ्ट करना भूलना नहीं है। मान के चलो ए नंबर टेबल पे जो बैठा हुआ आदमी है वो डी नंबर पे शिफ्ट हो गया है, तो ए को काट के या ए को हटा के उसके जगह पे आपको बी लिखना है, मतलब टेबल को शिफ्ट करना है। ये ध्यान रहे, अगर आप टेबल को शिफ्ट नहीं करते हैं तो पहली बार जिस टेबल पे बैठे हुए थे कस्टमर, उसी टेबल से सिक्योरिटी बनते जाएगा और नेक्स्ट कस्टमर जो रिसेंट बैठे हैं उस टेबल पर, उसी के साथ वो आइटम जो है ऐड होते जाएंगे। जब बिल निकलेगा तब आप फंस जाओगे कि मैंने इतना खाया नहीं, इतना का बिल कैसे दिए हो। कभी कभी बड़ी टेबल होती है, फैमिली टेबल होती है, इतना ऑर्डर देते हैं कि लिखते लिखते पूरा पेज भर जाता है, लिखने के लिए जगह ही नहीं बचता है। तो कई बार वेटर या कैप्टन शॉर्टकट अपनाते हैं कि साइड में लिख देता हूँ या केवटी के पीछे लिख देता हूँ। यह गलत आदत है, गलत हैबिट है, आपको ऐसा नहीं करना है। भले ही एक आइटम लिखना हो, दो आइटम लिखना हो या फिर 10 आइटम लिखने को बच गया हो, नए पेज पे लिखना है और दोनों केवटी को एक साथ अटैच कर देना है। इससे क्या होगा, बिलिंग टाइम भी कोई आइटम छूटेगा नहीं और सही ढंग से आइटम जुड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि केवटी में हम साफ सुथरा लिखने के चक्कर में एकदम बहुत दूर दूर में लिखते हैं। कहने का मतलब एक आइटम लिख दिए, उसके बाद बहुत सारा स्पेस छोड़ दिए, फिर दूसरा आइटम लिखे, फिर स्पेस छोड़ दिए, फिर तीसरा आइटम लिखे। इस चक्कर में जो कि है आइटम्स के बीच में गैप बच जाता है बहुत सारा। और रनिंग का फिर आइटम होता है ऑर्डर टेबल पे, तो हम बीच बीच में एंट्री मारते जाते हैं, तो ये भी गलत आदत है दोस्तों। ऐसा करने से बीच में ऐड किया हुआ आइटम छूट सकता है बिलिंग में, जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। इस गलती से बचने के लिए आप रनिंग ऑर्डर को भी दूसरी केओटी में नोट करें और उसको केओटी के साथ अटैच करें। इससे ना बिल में छूटेगा ना आपको कोई भरपाई करनी पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कस्टमर के खाना हो जाने के बाद टेबल का बिल कराना है सही ढंग से। आपको केओटी चेक करना है, बिल चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वांटिटी कम हो गई है या क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, या कोई आइटम कस्टमर ने कैंसिल करवाया था और वो सिस्टम से हो नहीं पाया है, या फिर कस्टमर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर किया था जिसका एंट्री बिल में ऐड नहीं हो पाया है, उसकी कंफर्मेशन आपको करना है। आपको बिल से पहले चेक करना है कि कस्टमर ने या टेबल ने जो जो खाया है सही ढंग से सारे आइटम ऐड हुआ है कि नहीं। अगर ऐड एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको हटवाना है, और अगर ऐड कराना है तो ऐड करवाना है, ठीक है। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। कई लोगों को तो क्वांटिटी भी लिखना नहीं आता। होटल में केओटी में क्वांटिटी लिखने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आप क्वांटिटी सही सही लिखना सीख जाओ कि 1/2 कैसे लिखा जाता है, हाफ प्लेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत सारे टिप्स बता दिए जिसको फॉलो करने के बाद आप अपनी स्किल में परफेक्ट हो जाओगे। और अगर आप मेरी बताए हुए टिप्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप अपनी फील्ड में कभी परफेक्ट नहीं पाओगे और आप एक अच्छे कैप्टन कभी नहीं बन पाओगे।